हे वेलकम बैक आई एम धर्मेश्वर फ्रॉम डी एस एस टू डॉक्टर मुखर्जी अली मेरे प्यारे बच्चे पता है आज क्या पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक क्लास बिल्कुल बेसिक की तरह मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मैं बेसिकली आज आपको एक ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बिल्कुल बेसिक से सीखोगे अब प्रश्न उठता है कि बेसिक क्लास में बचपन से आज वीडियो आपके लिए नहीं है आज वीडियो उनके लिए है जो इनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझ में आता जिनको प्रॉब्लम है कैसे सर जैसे मुझे एक बात बताओ आप कि आपने बचपन से पढ़ा के और के का मतलब पढ़ा का आपने पढ़ा के एच का मतलब आपने पढ़ा का है ना तो आप जो के से का, आप जो पढ़ा आपने के से खा पढ़ा तो क्या बाकी है आपने एम से पढ़ा आपने एल से पढ़ा ला अब जानना यह है कि क्या के का मतलब क्या होता है जानना यह है कि क्या एम का मतलब मां होता है क्या एल का मतलब होता है अगर होता है तो हमने यहाँ लिखा क म ऐसे खींच दिया बन गया कमल अब अंग्रेजी में के से का पढ़ा एम से माँ पढ़ा एल से ला पढ़ा तो क्या ये कमल पढ़ोगे इसको अब बताओ तो इसे कमल को नहीं सर ये तो के एम एल है तो जब ये के एम एल है तो फिर एक के से का कैसे हुआ फिर कैसे का एम से माइल सलाह है तो जब इसे कमल पढ़ सकते हो तो इसे भी कमल पढ़ो हो ना कहोगे ना सर ऐसे नहीं होगा तो मैं पूछूंगा कैसे तो तुम बोलोगे के ए एम ए एल क्यों क्या के से क्या नहीं होता नहीं होता अब समझे कॉन्सेप्ट तो के का मतलब होता है बच्चे आधा का आधा का का मतलब क्या में ऐसे करना पड़ेगा यानी आधा का है एक का आधा है ये पूरा का नहीं है क्यों सर अब ध्यान दो यहां पे हिंदी में फिफ्टी टू वर्डमाला होते हैं और अंग्रेजी में ट्वेंटी सिक्स होते हैं अब बताओ कि अंग्रेजी में ट्वेंटी सिक्स हिंदी में फिफ्टी टू तो अब बताओ बच्चे जस्ट हाफ हुआ कि नहीं हुआ तो जस्ट आधा हुआ तो इसका लेटर आधा ही ना होगा पूरा कैसे हो सकता है पूरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जस्ट हाफ है तो जस्ट हाफ है तो आपको लिखने के लिए अंग्रेजी कैसे का नहीं तो अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे वो ध्यान रखिए तो हमने कहा कि कमल हो रमन हो कोई भी दो अधिक लेटर हो तो आज देखना आज के बाद कि के का मतलब आधा का, के एच का मतलब आधा ख है ना एम का मतलब आधा म एल का मतलब आधा ल तो जितने भी लेटर होते हैं सब का मतलब हाफ होता है सब का मतलब आधा होता है तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो जब भी दो से अधिक लेटर हो जैसे कमल लिखना हो तो दो से अधिक लेटर जब भी हो तो आपको के एम एल के बीच में ए लगा देना है तो आप जब ध्यान देना कि दो से अधिक लेटर को लिखने के लिए हम बीच में ए का प्रयोग करते हैं ए लगाते हैं ताकि वो लेटर पूरा हो सके क्यों सर अब ध्यान देना है क म अब ल को हम खींचते हैं तो जब साउंड पर आजकल जितने भी अंग्रेजी हैं वो साउंड पर बेस्ट हैं अब साउंड पर बेस्ट है इसलिए आपको साउंड के आधार पर राइटिंग करना होगा अदरवाइज गलत हो सकता है तो दो से अधिक बेटल यहां पर लेटर है कमल तो के मिल जैसे तुमको लिखना रमन तो आर से रा हो गया एम से म एन से न लेकिन बीच में क्या आ जाएगा ए रमन आर एम आप यहां पे लिखो आप जापान लिखो चाहे जपन लिखो आप समझिए पहले एक-एक चीज -एक कॉपी कलम निकाल के लिखो तब मेरे साथ पढ़ो हमने यहां पे कहा जपन कहा या जापान कहा अब देखिए गौर से जपन कहा चाहे जापान कहा अब जापान कहा तो भी जे जे से जा पी से पा बचपन से पढ़ा लेकिन आज आधा होता है तो पूरा करेंगे क्या लगाया जे -पी -एन. तो तो का का भी जापान तो आपको यह देखना है चाहे रमन बोलो चाहे रामन बोलो सबका अंग्रेजी आर ए ही हो करना पड़ेगा अब यहां पे कमल बोलो चाहे कमाल बोलो चाहे कमाल बोलो सबका के ए एम ए एल करना पड़ेगा अब यहाँ पे देखना ये है कि दो लेटर और दो से अधिक लेटर तो जब भी दो से अधिक लेटर हो उसको आपको जोड़ना हो तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग ए का अगर लेटर दो हो जैसे ब अट बट हो तो बी से ब टी से ट यू का प्रयोग करना जब भी दो लेटर को जोड़ना हो तो यू का प्रयोग जो बातें बता रहा हूँ ये नाइन्टीन फाइव परसेंट सकते है पांच परसेंट अपवाद हो सकते हैं मैं यह नहीं कहा कि सौ परसेंट पांच परसेंट अपवाद हो सकते हैं उसको अलग से पाऊंगा पहले यह देखना है कि दो लेटर को जोड़ना हो तो बीच में यू का प्रयोग दो से अधिक को जोड़ना हो तो एक का प्रयोग अब देखो बट हो कट हो तो कट है टी कट रम हो आर एम देखो बच्चे तो जब भी दो लेटर जोड़ना हो तो आप यू का प्रयोग करें दो से अधिक को जोड़ना हो तो एक का प्रयोग करें यहां बात समझ में आ गया अब अगला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि देखो करना क्या है कि जब कोई भी लेटर ये सारे लेटर अगला वीडियो दूंगा जिसमें सारे के से कहा के से कहा सब लिख करके आपको मिल जाएगा अब हम देखते हैं गौर से क्या आखिर जितने भी लेटर्स हो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कैसे उसको पहचाने जैसे मान लो समझना को शॉर्ट अब देखो शॉर्ट और लॉन्ग शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड ये ध्यान देना है अगर मान लो शॉर्ट उ शॉर्ट ई शॉर्ट ये पढ़ना है तो शॉर्ट और लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग मान लो शॉर्ट ई और शॉर्ट लॉन्ग ई हम लोग बचपन से ही पढ़े ना अब ई e, ई e का साउंड पढ़ें अब यहाँ ध्यान देना ई e, ई e का साउंड हिंदी में पढ़ते हैं अब अगर मान लो साउंड है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ई है तो आई का प्रयोग ऐसा ई है तो डबल ई का प्रयोग हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको अब आपको साउंड पढ़ना है साउंड क्या है वो ध्यान दीजिए इस सब के पीछे साउंड काम करता है साउंड क्या होता है बच्चे वो ध्यान दीजिए साउंड अगर शॉर्ट हो साउंड अगर शॉर्ट हो तब आई का प्रयोग करना साउंड अगर शॉर्ट हो तो आई का प्रयोग शॉर्ट अगर लॉन्ग हो तो फिर डबल ई का प्रयोग यहाँ पे ई और ई से कोई मतलब नहीं है हमेशा हम लोग हिंदी से अंग्रेजी को जोड़ने का प्रयास करते हैं कभी ऐसी गलती मत करना जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा ये देखो बेटा हिंदी इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग में ऐसा होता है जिसको हम लोग ई भी बोलते हैं इसको हम लोग ई भी बोलते हैं अब ध्यान दो कि आपको लिखना है शिवानी शिवानी अब ध्यान दो शिवानी में यहां देखते गौर से कि यहां पे शिवानी में ऐसा है यहां पे देखो शिवानी में ऐसा है पीछे से है कि नहीं इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ है ना तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड अब देखो शिवानी ये दोनों में जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड है तो क्या लिखेंगे हम लोग एस एच एस, एस राइट वी से हो गया, हुआ, एन से हो गया ना देखना है कि शिवानी में ए आई क्योंकि शॉर्ट साउंड है वी ए हो गया वाह और एन में आई जोड़ दिया हो गया शिवानी अगर ऐसे पढ़े होते कि इसका अंग्रेजी डबल ई होता है तो बोलो शिवानी में हम लोग डबल ई करते हैं क्या नहीं ना करते तो साउंड अगर बोलते शिवानी तो शिवानी बोलते तो साउंड अगर लॉन्ग बोलते लास्ट में तो हम लोग डबल ई का प्रयोग करते लेकिन हाँ बोलते हैं शिवानी शिवानी बोलते हैं इसलिए आई का प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको ये देखना है कि आप साउंड कैसे निकाल रहे हो शिवानी 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 तो शिवानी तो साउंड को डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलते हो है ना जैसे मान लो किसने बोला सीमा अब सीमा चाहे जैसे बोला हो अब सीमा अब सी में ऑटोमेटिक थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो सीमा का रियल स्पेलिंग एस डबल ई ए में होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति लिखता है सीमा का स्पेलिंग एस आई एम ए तो इसका मतलब सीमा सीमा मतलब साउंड अगर साउंड शॉर्ट है तो I का प्रयोग करना है साउंड अगर लॉन्ग है तो फिर डबल ई का प्रयोग करना है। ऐसे ही सेम साउंड होता है डबल ओ वाले में जो कि आपको ध्यान देना है अब सीधा मैं साउंड पढ़ रहा हूं अगर शॉर्ट साउंड है और लॉन्ग साउंड है अगर शॉर्ट साउंड है तो यू का प्रयोग लॉन्ग साउंड है डबल ओ का प्रयोग जैसे आप लिखते हो पूजा पूजा है ना आप लिखते हो पूजा अब यहां पे ध्यान देना है आप लिखते हो गुप्ता गुप्ता अब साउंड क्या है लॉन्ग है तो पूजा लिख दिया तो डबल हो पूजा पूजा और देखो गुप्ता गुप्ता तो टी देख रहे हो तो जहां पे साउंड शॉर्ट है वहां पे हम लोग यू का प्रयोग करेंगे और जहां पे साउंड लॉन्ग है वहां पे हम डबल का प्रयोग करेंगे यहां पे खास दिखने की बात यह है कि शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड तब आप इसको जानने का प्रयास करिए अब यहां पे कुछ चीजें और दिखाता हूं जैसे आपको देखना है साउंड के आधार पर अब साउंड के आधार पर आप अगला कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करिए बहुत ही बेसिक चीज दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक समस्या है राइट अब यहाँ पर मान लो किसी को लिखना है कौर राइट अब कौर लिखना है अब जसमीत कौर परनीत कौर अब कौर है कौशलेंद्र कौशल है ना तो कौ अब यहाँ पे ध्यान देना कि पता है कि के से क्या होता है पता है कि आर से रा होता है ये तो के आर तो पता है। लेकिन बीच में जब तक ओ का साउंड ओ ओ का साउंड नहीं आएगा तब तक कैसे होगा तो ध्यान देना बच्चे कि ये जो ओ है ना इसका अंग्रेजी ए यू होता है क्या होता है बालक ए यू तो जब को अब करना है कौर तो देखो गौर से के ए यू आर अब देखो के आता था रहा आता था तो आपको मैं स्पेलिंग सिखा रहा हूँ कि आप कैसे लिखोग अंग्रेजी ये बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर स्पेलिंग प्रॉब्लम होता है हम बेसिक चीज़ नहीं लिख पाते बेसिक चीज़ नहीं सीख पाते तो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ बच्चे कि आप एक एक चीज़ सीखो आता है तो ठीक मुस्कुराओ नहीं आता तो कॉपी कलम निकालो और मेरे साथ हजार वर्ड लिखो हमने कहा कौर अब देखो लिखना है कौशल कौशल अब ध्यान दो कि के से पता है कि क होता है शाह का अंग्रेजी एस एच पता है ला का अंग्रेजी एल पता है इतना तो पता है तो एक एक लेटर का पहले पता कर लो कि के से का शा, ला पता है अब कौ क्या हो गया कौ का अंग्रेजी ए यू और हमने कहा था एक दो तीन दो से अधिक लेटर हो तो क्या प्रयोग करना ए का तो यहां पे हमने ए लगा दिया तो के यू एस एच एल कौशल कौशल है ना तो यहाँ पे कौशल कर दिया कौर कर दिया तो ये बात समझ में आ गया अब देखिए और भी कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है साउंड के ऊपर कि औ का साउंड क्या अब जैसे मान लो किसी को लिखना है नैनीताल नैनीताल नैना नैनी अब ध्यान दो बेटा कि नैनी अब यहाँ पे ए का साउंड वहां पे ओ था तो ए भी लगाया था यहाँ पे ए का साउंड है ए तो इसके लिए हम लोग ए और आई का प्रयोग करते हैं ए के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं जैसे हमने कहा तो ए आ आ आ आ तो ए का क्या होगा ए आई तो ए आई के लिए क्या बोले देखो एन पता है यहां भी एन पता है टी पता है एल पता है एन है देखो एन एन टी एल पता है सबका अब देखो ये एक कार है नए ए नए तो नए हो गया तो इसके लिए एन ए आई नए अब देखो नी एन आई एन ए आई एन आई अब टी एल नैनीताल देख रहे हो तो नैनी ताल तो यहां पे क्या देखा आपने एक नया कॉन्सेप्ट देखा जिस पे आपको आराम से अंग्रेजी लिखना बोलना आ जाएगा नैनी ताल तो आ गया ना तो नैनी देखो नैनी नैनी देखो तो नैनी एन ए आई एन आई अब सीख पाए कैसे लिखाता है तो पहले आपको क्या करना है इस पर आपको प्रैक्टिस करना है मैं एक एक चीज दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ बेहतर तरीके से लिख पाओ और बेहतर तरीके से कर पाओ तब मैं ये टोटल आपके लिए काम कर रहा हूँ अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे बिंदी लगाया अब बिंदी का साउंड पर डिपेंड करता है बिंदी का साउंड अगर माँ हो रहा है और बिंदी का साउंड अगर ना हो रहा है ये बिंदी क्या है बताऊंगा अभी अब मां जिसे चंबा शंभू तो मां हो रहा नहीं हो रहा चंबा तो आप ए एम का प्रयोग करना और चंदा ना का साउंड तो ए एन का प्रयोग करना कैसे सर अब देखो लिखा हमने चंबा यहां लिखा हमने चंदा समझ ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है चंबा चंदा अब चंबा तो यहां पे देखो सी एच ए अब देखो पहले सी एस एचा हुआ हुआ ना अब चंदा देखो सी एस एच हुआ चंबा ऐसे है तो सी एच पता है बी पता है अब ध्यान देना कि सी एच मतलब चा बी मतलब ब सी एच मतलब चा डी मतलब द राइट अब देखो चंबा इस बिंदी इस बिंदी का अंग्रेजी यहाँ पे माँ का साउंड है चंबा तो यहाँ पे ए एम का प्रयोग करेंगे और बा है तो ए लगा देंगे तो चंबा यहाँ पे देखो चंदा तो सी एच में ए एन लगा देंगे चंद और डी में लगा देंगे चंदा तो अंग्रेजी ना राइटिंग आपका लॉलीपॉप बन जाएगा लिखना आसान हो जाएगा आप जो चाहोगे ना सो अंग्रेजी में लिख सकते हो तो चंबा चंदा आ गया ना चंदर लिखना है रामचंदर अब चंदर लिखना है देखो लिख दिया हमने चंदर अब सी एच से चाह होता है अब बोलो ना का क्या होता है ए एन तो पेन चलेगा आराम से सी एच एन अब चंदर है तो ई आर लगाएंगे कहोगे सर यहां पे ए आर क्यों नहीं लगा तो ए आर लग सकता है अगर चंद्र होगा तब तो यहाँ पे चंदर तीन वर्ड आ गया तो चंदर चंदर डा में खींच रहे हैं चंदर तो ई आर का प्रयोग आएगा ठीक है तो चंदर हो जो तुमको बोलना हो इस तरह से आप चंबा हो शंभू हो शंभू है ना तो आप देखना है इसको किसे मान ली ध्यान शंभू अब देखो शाह का हो गया एस एच और माँ का साउंड आ रहा है ना तो क्या लगाएंगे एम भा का बी एच और उ का उ शम्भू है ना इस तरह से आप स्पेलिंग सुधार सकते हो और इस तरह से काम कर सकते हो मेरे बच्चे मैं यहाँ पे बेसिक क्लास अलग से पढ़ाता हूँ अब दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली आ करके आप बेसिक फाउंडेशन क्लास देख सकते हो या फिर नहीं आ सकते तो घर बैठे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डी का डी एस इंग्लिश ऐप जब डाउनलोड करोगे ना तो उसमें विस्तृत क्लास आप कर सकते हो पूरा डेमो के साथ पूरा क्लास सिस्टमेटाइज ढंग से देख सकते हो अब दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आ सकते हो साथ साथ घर पे भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन क्लास आप स्पोकन भी कर सकते हो और फाउंडेशन भी कर सकते हो घर बैठ के अब तो लाइव चलता है आप चाहें तो यहाँ जितना पढ़ाता हूँ डेढ़ घंटा आप घर बैठे डेढ़ घंटा बिल्कुल ऐसा लाइव देखें मोबाइल पे मोबाइल बैच कर सकते हो घर बैठ करके बेहतर क्लास कर सकते हो मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूँ थैंक यू वेरी मच